ये देख लो हम कैसे आ रहे हैं और कैसे नीचे जा रहे हैं। ऐसे ऐसे गलियां हैं, आप देख रहे हैं ना पीछे, ये इस गली से हम अभी वैसे भी इंडिया में रहते, कहीं दूर नहीं रहते हैं। आप कुछ दिख रहा है ना यहाँ पे, सेफ्टी जैकेट पहन के। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बीएसके। नेक्स्ट जा रहे हैं ब्लू सिटी, जो ओल्ड ब्लू सिटी है ना वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ जाके एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद में खाएंगे पियेंगे। खाने पीने के बगैर तो कुछ होगा भी नहीं। खाए एकदम पूरा, खाएंगे पियेंगे क्या, कुछ एकदम नहीं खाएंगे। जो घर से प्लान बना के निकले ब्लू सिटी एक्सप्लोर करेंगे, बीच रास्ते में आए फिर प्लान बना के मंडोर जाएंगे, रुकने के बाद हम सीधा ब्लू हेवन सिटी आए। और मेरे साथ ये तीन लोग हैं। आपको कुछ दिख रहा है ना यहाँ पे, ब्लू हेवन सिटी किसे कहते हैं, जैसे ये बिल्डिंग दिख रही है आपको ब्लू कलर की, बस यही है, बहुत पुराने हैं, ऑल टाइम की है। ऊपर चढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है, यहाँ लोग रहते हैं, रेजिडेंसी लोग रहते हैं, तो यहाँ के घरों का जो कलर है वो ब्लू है। ऐसे गलियारे हैं जैसे कोई फोर्ट के अंदर, ऐसे ऐसे गलियारे हैं, आप देख रहे हैं ना पीछे, ये इस गली से हम ऊपर है, नीचे से अब ऊपर से नीचे जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा हम कहाँ जा रहे हैं। कोविड के टाइम में सारा सिस्टम यहाँ ऑफ है, क्लोज है, हम भी गलत टाइम आ गए। खैर जब आए गए तो कुछ आपको दिखा ही देते हैं, कुछ भी नहीं समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना है। अब मैं इधर जाके आता हूँ क्या है क्या नहीं। तो काफ़ी टाइम के बाद हमें ये डेस्टिनेशन के लिए इन अंकल के पास हम आए, इन्होंने हमें एक ऊपर जाने के लिए, तो आंटी और अंकल जी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, वेलकम, इन्होंने हमें परमिशन दी ऊपर जाने के लिए। तो आप बताए दिल से बाहर वरना हम तो खाली आ जाते। तो आंटी जी से अंकल जी से परमिशन लिए, और परमिशन लेने के बाद अब हम ऊपर जाएंगे और पूरा द ब्लू हेवन सिटी उसको एक्सप्लोर करेंगे, और आपको बताएंगे कि ब्लू सिटी कैसी है। होगी तो ब्लू लेकिन नज़र हम आपको दिखाएंगे। यहाँ से आप देख लो वो मंसूरी पहाड़ है, और ये फोर्ट है, या कुछ समझ में नहीं आ रहा, वहाँ जाते हैं ना तो ये फोर्ट उस साइड लगता है। मेरे साथ में भरत गोदारा जी बैठे हैं, सबसे बड़े व्लॉगर, कुछ बोलोगे आप? बोलना तो चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हम वैसे भी इंडिया में रहते, कहीं दूर नहीं रहते हैं। ये फोर्ट है और वो मंसूरी पहाड़ नहीं है, वो कोई दूसरा है, मंसूरी तो मंसूरी उधर रह गए। और इन आंटी जी और इन्हीं का घर है, और इनके घर के छत के ऊपर आके हम शूट कर रहे हैं। वो जोधपुर का बरकतुल्ला खान स्टेडियम है, मंसूरिया पहाड़ है, आकड़िया चौराहा है, जैसलमेर रोड है ना, न्यू कोहिनूर सिनेमा हॉल वहीं पे है। भैया शूट कंप्लीट करके वापस निकल रहे हैं, पानी भी पियेंगे। ये देख लो हम कैसे आ रहे हैं और कैसे नीचे जा रहे हैं। कल ब्लू सिटी एक्सप्लोर करने गए थे, आज सूर्यपुरा डैम है, और जो पहला व्लॉग था वो मैं जयपुर से जोधपुर आया था, मतलब कंटिन्यू व्लॉग है, तो जयपुर से जोधपुर आया था वो व्लॉग एक है, और बाकी ब्लू सिटी और ये सूर्यपुरा डैम ये सब कॉमन है। अभी आपको चल के बताते हैं ये वाला डैम है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये सूर्यपुरा डैम है पूरा, आप देख सकते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सूर्यपुरा डैम है, बोटिंग होती है, जो वहाँ का जो प्रोसेस है वो सब वहीं पर पड़ा है ना वहाँ पे, और ये कुछ पॉइंट्स हैं
एक और दो। बाकी मौसम तो काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ना, तो मैं बार बार कहूँगा और आप करते रहिए। दिक्कत है उसको दोबारा प्रेस ना करें, जहमत ना उठाए, जो नया है वो आए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बोलो कैसा बन रहा है वो अलग बात है, लेकिन मज़ा इसलिए आ रहा है कि मौसम एकदम ठंडा हो गया है, क्योंकि अभी जस्ट बारिश हुई, बारिश होने से गर्मी थी वो चल गई। वो जो पॉइंट दिख रहा है एक वो है और एक वो पॉइंट है, वहाँ जाने का मन कर रहा है, लेकिन एक राउंड मार के काफ़ी बड़ा टाइम भी लग जाएगा राउंड में। ठीक है जाते हैं। सेफ्टी जैकेट पहन के बोट में जाने के लिए एकदम रेडी है। दो जने पहले से ही जाके बैठ गए, सेफ्टी जैकेट पहन लिया है और उसके बाद अब बोट में उतरेंगे। ये दोनों ना आपस में पता नहीं क्या डिस्कस कर रहे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को क्या करना है। और कोई कह रहा मेरा स्टोरेज फुल हो गया है, कोई कह रहा सिनेमेटिक शॉट लेना है, कोई कह रहा है टाइमलाइन की फोटो लेनी है, और ये कह रहा है मेरे घोड़े दुख रहे हैं। घोड़े कहा, किसने कहा घोड़े दुख? हां तो मैंने कहा भाई मैंने कहा भाई देखो अभी रिश्ते नहीं आएंगे यार, अभी है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ यार, अभी इनके यार एंगेज भी नहीं हुई है और अभी से इनके घुटने दर्द कर रहे हैं। सीधो हाँ एकदम भाई, न्यू हैंडल ना छोड़ मत। अरे क्या कैसा महसूस हो रहा है? अरे बुरा गोडर पट निकला बुटों की, दिक्कत हो रही है यार मेरे को। तो ये पूरे व्लॉग कल का आज का आज यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ, यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। कल का और आज का मिक्स करके अपलोड कर रहा हूँ और अगला व्लॉग घर जाके बनाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, नहीं नहीं नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर। सब्सक्राइब कर दो इसको और मत कुछ like करो, सब्सक्राइब कर दो। तो नेक्स्ट व्लॉग तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब कर दो, मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ।